कमेटी की मीटिंग है इलेक्शन के एतबार से हुई है, जो इलेक्शन आ रहा है लोकसभा का, कि इसमें पुरामन तरीके से हो, कोई बदमनी ना हो, किसी किस्म के कोई शरारती आदमी अफवाहें ना फैलाए, तो उन पर कंट्रोल किया जाए। इस कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाके में, अपने अपने बूथों के नजदीक ग्राउंड लगाकर अमन कायम करें, खामखा की भीड़ और खामखा का जो है अफवाह वो ना होने दें, अमन के साथ अपने वोट दे रहे हैं, मतदान है, वोट है, वोट में पर्दे के साथ दे रहे हैं, मर्जी के दे रहे हैं, जहाँ जी जाए, किसी पर कोई दबाव ना हो, इसका बंदोबस्त किया जाए। और पीठ पर इस कमेटी पर इसकी कोशिश करेंगे कि बदमनी ना हो, अमन के साथ, शांति के साथ में अलग सब रहें। 25 तारीख को चुनाव है, तो क्या अपील करना चाहोगे चुनाव? हम तो सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह पूरे इलाके में, पूरे ज़िले में हमारे अमन और शांति के साथ में ही फसल होगा। अपनी मर्जी से जो जहां वोट देगा उसकी मर्जी है, लेकिन किसी पर कोई दबाव ना होना चाहिए, किसी भी एतबार से, ना पॉलिटिकल लाइन से और ना ही प्रशासनिक लाइन से। अपनी मर्जी की वोट है, अपने आज़ाद है, अपनी वोटें अपनी मर्जी से कहीं भी दे। इस कमेटी में जैसे SP साहब ने बताया, हमारी पूरी जिम्मेवारियाँ लगाई हैं, जहाँ जहाँ बूथ हम पर हमारे गांव हैं या शहर में हैं, जैसे मेरे 5-6 गांव हैं इनमें और अब शहर में, हम पूरी ड्यूटी देंगे और उसको संभालेंगे। और वहाँ पर पहले भी जाकर एक दिन पहले रात को उनका स्टे का सही अरेंजमेंट कराएंगे, और जो भी सुविधा होंगी उसी से करेंगे, कोई किसी किस्म का वाद विवाद ना हो, पीसफुली पोलिंग कराने की जिम्मेवारी जैसे हमारे को DC साहब ने और SP साहब ने सौंपी है, उसे हम पूर्ण रूप से निभाएंगे। आज जो पीस कमेटी की मीटिंग थी, हमारे उपायुक्त महोदय और SP साहब ने जो जिले के पीस कमेटी के मेंबरों को यहाँ बुलाया था, और चुनाव के प्रति यहाँ सारी बातचीतें हुई थी, और उसमें मेन उद्देश्य यही था कि भाई गांव में, इलाके में कोई हिंसा ना हो, पीसफुल तरीका से चुनाव हो, भाईचारा सबका कायम रहे, अच्छे तरीका से चुनाव हो, जो जिसके नसीब होगा वो जीतेगा, लेकिन अपने भाईचारे को ख़राब ना करें और बढ़िया से तरीका से वोट डालें। अगर कोई किसी प्रकार का कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उनको पहले प्यार से समझा दो, भाई आप जो है ये गलत हरकत ना सोचें, अपने चलते बढ़ो और काम करें। फिर भी कोई ऐसा कोई शरारत देखो तो ना ही मानो, ज़्यादा ही नशे में तो उनकी चुपचाप ऊपर इतला कर दो। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि इलाके में अपने में शांति बहाल रहनी चाहिए, किसी प्रकार का आपसी भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए, और अच्छे तरीक़ा से चुनाव होना चाहिए। हमारा इलाके का नाम जो है और हमारे ज़िले का नाम चुनाव के टाइम में अच्छे तरीके से ऊपर जाना चाहिए। जिस मेवात को लोग गलत नज़र से देखते हैं, वो मेवात चुनाव की दृष्टि से एक नंबर पानी चाहिए। जीत हार जिसके नसीब में होगा वो जीतेगा। सभी कार्यकर्ता अपने अपने कैंडिडेटों के लिए मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, बट आपस में भाईचारे को कायम रखना है, यही मेरी अपील है, और शांतिपूर्वक बनाए रखें। सभी भाई, सभी लोग सही वक्त पर अपना वोट का मतदान करें, और भाईचारे को कायम रखते हुए आपस का भाईचारा को बरकरार रखें, और 25 तारीख को वोट डालें, यही मेरी विनती है ज़िले के लोगों से और अपने स्टेट के लोगों से।